हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। आज हम बनाएंगे आलू से स्माइली, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए थे, उसे मैंने बॉईल करके ठंडे भी कर लिए हैं। आलू हमें ठंडे ही यूज़ करने हैं। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक बाउल और एक कद्दूकस लिया है। इससे हम कद्दूकस करेंगे। इसी तरह से हम सारे आलू को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हो। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें और डालेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें से आधा डो ले लूंगी। अब हम एक चकला लेंगे और इसके ऊपर हम एक प्लास्टिक का कवर बिछा देंगे। इसे हम तेल से ग्रीस करेंगे कवर को, ताकि ये बेलते समय चिपके नहीं। और बेलन को भी हम तेल लगा देंगे। अब हम लोहे को चकले पर रख करके इसे बेलेंगे। इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलना है। तो ये देखिए, मैंने बेल दिया है। और ये देखिए, इस तरह से मोटा ही रखना है। ये मैंने यहाँ पर एक कटर लिया है, इसे हम आटे में लगा करके इसे कट करेंगे, ताकि ये आसानी से कट हो जाए। अब हम साइड में से सारा आटा निकाल देंगे। तो ये देखिए, अब हम एक पाइप लेंगे और इससे हम आंखें बनाएंगे। अब हम एक स्पून लेंगे और इससे हम स्माइली बनाएंगे, इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए। तो ये देखिए, हमारी स्माइली बनकर के तैयार है। इसी तरह से हमें बनाने हैं। अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए मैंने गैस पर तेल को पहले से ही गरम रख दिया है। और ये देखिए, हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो गया है। तो अब हम स्माइली को एक एक करके अंदर डालेंगे और इसे अलटते पलटते स्लो गैस पर अच्छे से पकाएंगे। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल देंगे। इसी तरह से सभी स्माइली को तल देंगे। तो ये हमारी सभी स्माइली तल करके तैयार है। बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you.